मैं किस केजरीवाल के ऊपर डिपेंड रहूं, जो केजरीवाल पैसों से टिकट दे रहा, जो केजरीवाल ये नहीं देख रहा कि 365 दिन जो स्कूल आता है उसकी अटेंडेंस को जीरो बताते हैं और जो आता नहीं 365 दिन उसको टिकट दे के और उसको टॉप बताते हैं। मैं उस आदमी का आज के डेट में सिपाही हूँ जो हमारे लिए, हमारे देश में हमारे मुसलमान भाइयों के लिए आवाज उठा रहा। अगर आज के डेट में कोई काम कर रहा हमारे लिए तो वो वैसी साहब काम कर रहे हैं। मैं अपने वतन के लिए पहले सोचूंगा, वो वोट के लिए सोचता है। वो गुजरात में कह रहा क्या लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो चाहिए, वो लक्ष्मी गणेश जी क्या मैं जेब में लेके घूमूंगा। कट्टर ईमानदार कहते हैं अरविंद केजरीवाल। आप कह रहे हैं टिकट में थोड़ी बहुत, मतलब आप ही के कहने वो असली आरएसएस का चड्डी है, मैं बता रहा हूँ। वोट जो है अभी ऑफिस से हटा है और हम अल्लाह ने चाहा तो हम ओखला से उखाड़ के फेंक देंगे आम आदमी पार्टी को इंशाल्लाह। बिल्कुल पे अदानियों के ऊपर केजरीवाल खामोश रहे, उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा की बात करूंगा। तो अब ये बताइए कि बी टीम केजरीवाल है या अवेशी साहब है? अमानत साहब है ओखला के, इनके ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है, कभी उसने आवाज लगाई? वैसी अकेले अपने दम पे आवाज उठा रहा। अगर कोई दूसरा मुस्लिम लीडर आवाज उठा रहा तो पीछे से उसको दबाया जा रहा। अगर उन्होंने स्कूल दिया उसका फायदा क्या सिर्फ हम उठा रहे हैं? अगर उन्होंने हॉस्पिटल दिया तो क्या उसका फायदा सिर्फ हम उठा रहे हैं? अगर उन्होंने बिजली का बिल दिया तो आपको बता दूं, बिजली का बिल अगर घरों का दिया है 200 यूनिट, आप व्यापारियों के साथ देखो उन्होंने क्या किया। व्यापारियों का 8-8, 10-10 हज़ार का बिल आ रहा। उन्होंने अगर किसी को सस्ता किया तो किसी को डबल महंगा किया। उनकी नीति हमारे खिलाफ है, वो कभी भी हमारे लिए नहीं है। उनकी जो बातें हैं वो बातें आरएसएस और बीजेपी से मिला जुला नहीं, उससे भी आगे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादों की पिटारा खोल रही है। जनता को रिझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारे तरफ आइए, हमारे पास आपके लिए सुनहरे ख्वाब हैं, आपका सुनहरा भविष्य है। और मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये MIM का दफ्तर है। पीछे आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा कि जिस पे लिखा हुआ है कार्यालय, यानी ये MIM का है। असदुद्दीन उवैसी साहब भी हैं और बाकी और भी उनके नेता हैं। और हमारे साथ जो वार्ड नंबर 189 के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं MIM की तरफ से, कौशर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन, और दूसरे MIM के नेता हैं रफत खान उर्फ भूरे भाई। तो आज बातचीत करेंगे कि आखिर दिल्ली के लोग MIM पे विश्वास क्यों करें, दिल्ली के लोग MIM को ही वोट क्यों दें। पहला सवाल यही कि यहाँ पे पहले कभी आम आदमी पार्टी का ऑफिस हुआ करता था, अब MIM का पूरा बोर्ड लगा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी को छोड़कर MIM में जाने की कोई ख़ास वजह? वजह बहुत सारी हैं। आदमी पार्टी में था केजरीवाल की नीति के ऊपर, केजरीवाल की सोच के ऊपर, मगर जो केजरीवाल साहब की हालात बता रहा, केजरीवाल साहब पहले दिल्ली में आए लोगों की भविष्य लेके, हॉस्पिटल लेके, स्कूल लेके आए, बिजली, बहुत सारी चीज़ें लेके आए, लोगों को भविष्य दिखा, लेकिन केजरीवाल साहब ने सिर्फ वोटों के लिए किया, हमारी कौम के लिए, हमारी नस्लों के लिए उन्होंने नहीं सोचा। आज उनकी हालात देखें, आप उनकी स्पीच देखें, वो अब कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमारे कौम, हमारी कौम के लिए कहाँ उन्होंने आवाज़ उठाई, दिल्ली से लेकर, यूपी से लेकर, कहीं भी अगर उनको हमारी ज़रूरत पड़ी है वोट के लिए तो उन्होंने सिर्फ वोट मांगा है। उन्होंने एक से एक ऐलान किया, उस ऐलान में आप ये देखो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए क्या किया है। अगर उन्होंने स्कूल दिया उसका फ़ायदा क्या सिर्फ हम उठा रहे हैं? अगर उन्होंने हॉस्पिटल दिया तो क्या उसका फ़ायदा सिर्फ हम उठा रहे हैं? अगर उन्होंने बिजली का बिल दिया तो आपको बता दूं, बिजली का बिल अगर घरों का दिया है 200 यूनिट, आप व्यापारियों के साथ देखो उन्होंने क्या किया। व्यापारियों का 8-8, 10-10 हज़ार का बिल आ रहा। उन्होंने अगर किसी को सस्ता किया तो किसी को डबल महंगा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी नीति हमारे खिलाफ है, वो कभी भी हमारे लिए नहीं है। उनकी जो बातें हैं वो बातें आरएसएस और बीजेपी से मिला जुला नहीं, उससे भी आगे है। उनकी सोच हमारे भाइयों के लिए, हमारे लिए विरोध वाली सोच है, यानी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ हम पसंद है, हमारा वोट पसंद है, हमारा काम, हमारी भविष्य नहीं पसंद है। मैं किस केजरीवाल के ऊपर डिपेंड रहूं, जो केजरीवाल पैसों से टिकट दे रहा, जो केजरीवाल ये नहीं देख रहा कि 365 दिन जो स्कूल आता है उसकी अटेंडेंस को जीरो बताते हैं और जो आता नहीं 365 दिन उसको टिकट दे के और उसको टॉप बताते हैं, उसको बताते हैं ये आम आदमी पार्टी का कारकर्ता है। मैं उस आदमी का आज के डेट में सिपाही हूँ जो हमारे लिए,
हमारे देश में हमारे मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहा, मैं उस पार्टी का सिपाही बना हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आदमी के साथ हिंदुस्तान के हर कोने में अगर हमारे मुसलमान भाई एक तरफा सोच रखते हैं, उसे कहते हैं बीजेपी का बी टीम। मैं बता दूं बीजेपी का बी टीम कौन है, वो बी टीम होता तो इतनी आवाज़ें क्यों उठाता, उसके साथ क्यों नहीं बीजेपी कार्रवाई करती है। उसकी सोच एक अलग सोच है, वो एक मसीहा बन के खड़ा है हमारे लिए, उसकी सोच बिल्कुल हमारे लिए है कि भाई हम इतने कमज़ोर क्यों हैं, मुझे क्यों इतना कमज़ोर बताया जाता है। ये तो ओखला है, यहाँ जो 5 से 7 लाख की आबादी है, कैसे कोई कहेगा कि कांग्रेस की फिक्स है वोट, क्यों कहेगा कि केजरीवाल ने काम किया, कोई काम नहीं किया है। अगर आज के डेट में कोई काम कर रहा हमारे लिए तो वो वैसी साहब काम कर रहे हैं, अकबरुद्दीन साहब काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए बोल रहे हैं। हमें केजरीवाल घर में खाना नहीं दे रहा, हमें कांग्रेस कुछ नहीं दे रही है, इस बटला हाउस L18 होता है, इस बटला हाउस में उसके बाद भी कितने वारदात होते हैं, क्या केजरीवाल ने कभी खुल के बोला? हमारे बिल किस कौन सी हैं, यहाँ पे जो संगम विहार में हुआ क्या किसी ने ट्वीट करके बोला? घोर अन्याय, नहीं बोला। हमारे हज के लिए साल में एक बार जाया जाता है, क्या केजरीवाल साहब को नहीं था कि हम इनके लिए भी कुछ, हम बुजुर्गों के लिए ऑफर करें, इनके लिए कुछ रियायत करें, क्या हमें नहीं दिखता? अगर किया है ना, क्या किया है, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं बोले, तो तीर्थ यात्रा से हमें क्या फ़ायदा है? मैं अपने भाइयों के लिए सोचूंगा यार, ओखला हमारी है, मेरे वतन है, मैं अपने वतन के लिए पहले सोचूंगा। वो वोट के लिए सोचता है, वो गुजरात में कह रहा क्या लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो चाहिए, वो लक्ष्मी गणेश जी क्या मैं जेब में लेके घूमूंगा? वो हमारे लिए भी तो कुछ सोचे। कट्टर ईमानदार कहते हैं अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हैं टिकट में थोड़ी बहुत, मतलब आप ही के कहने वो असली RSS का चड्डी है, मैं बता रहा हूँ। अगर हमारे ओखले के लोग इस अंधेरे में है और पार्टी इस अंधेरे में है कि कांग्रेस 15 साल से राज करिए कोई नहीं हटा रहा, और केजरीवाल ये सोचता हो कि हम जिसे टिकट देंगे वो लोग जीतेंगे, जीतेगी यहाँ की जनता और जिताएगी यहाँ की जनता, हीरो बनाएगी यहाँ की जनता। अगर हमारे जनता के अंदर खुददारी होगा, हमें लालच नहीं है मैं जीतूं या हारूं, मगर हमें इस बात का फक्र होगा कि आप लोगों ने मुझे वोट दिया और वैसी को मजबूत किया, वो दुनिया के किसी कोने में हमारे ओखले के बारे में भी सोचेगा, और कोई भी वारदात होगा तो आवाज़ उठाएगा और भरपूर उसके साथ हम देंगे और उसके आवाज़ में दम दिखाएंगे। हम आता हूँ आपके पास, हर बार ये सवाल किया जाता है कि MIM मतलब राजनीतिक का खेल बिगाड़ती है, वोट पोलराइजेशन होता है, तो MIM की तरफ लोग क्यों जाएं, मतलब MIM को क्यों वोट दे? आप आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है दौड़ में। देखिए आम आदमी पार्टी को जो है, आम आदमी पार्टी जिस टाइम दिल्ली में आई, मैंने भी आम आदमी पार्टी को इलेक्शन लड़ा था ये सोच के ये जो है दूसरी पार्टियों से बेहतर करेगी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही केजरीवाल साहब जो है मुख्यमंत्री बने और कोरोना आया तो केजरीवाल ने क्या कहा, जबकि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि लॉकडाउन जो मरकज में जमाती थे उन्होंने प्रधानमंत्री की बात मानी और लॉकडाउन होने के बाद जो है वहीं के वहीं रुक गए, और क्योंकि वहाँ जो है परमानेंट 1000-2000 जमाती जो है परमानेंट रहते थे, प्रधानमंत्री की बात मानने के बाद ही तो रुके ना। जिस टाइम यह हुआ है कि कोरोना का मामला आया तो केजरीवाल ने क्या कहा है कि मौलाना साद पे और इन पे जमातियों पे FIR करिए, मरकज जमातियों पे और मरकज पे FIR करिए, ये अल्फाज कहने के बाद क्या हुआ जमातियों के साथ, जो हमारे ओखला में या मुसलमान जिस कॉलोनी में रहते थे और मस्जिदें बनी हुई थी, जमातियों को जो है दौड़ा दौड़ा के मारा गया कि कोरोना है, तो हम ऐसे आदमी को वोट और सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने तो उसी दिन छोड़ दी थी। लड्डन साहब जो है ये तो अब पार्टी में आए हैं जब इन्हें टिकट नहीं हुआ, यहाँ जो है बोर्ड लगा हुआ था आम आदमी पार्टी का, लेकिन वो बोर्ड जो है अभी ऑफिस से हटा है, और हम अल्लाह ने चाहा तो हम ओखला से उखाड़ के फेंक देंगे आम आदमी पार्टी को इंशाल्लाह। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे ही झगड़ा हुआ चांदबाग में, झगड़ा कराने वाले जो है अगर कोई था तो कपिल मिश्रा और रागनी तिवारी थे, लेकिन जेल कौन गया? ताहिर हुसैन, जबकि उसी की केजरीवाल की पार्टी से ही ताहिर हुसैन साहब थे, उन्हें जो है ये साबित होने से पहले कई मुस्लिम हैं, उन्हें जो है पार्टी से बाहर कर दिया गया, आज तक वो जेल में है। तो इस वजह से हम यहाँ जो है बटला हाउस में मुसलमान अब आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेगा। अच्छा ये इन्होंने भी कहा कि बीजेपी बी टीम है, मतलब छोटा रिजार्ज वैसे साहब कहते हैं अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज है, लेकिन ये आरोप
MIM पे लगता है कि बी टीम है, जहां भी जाते हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट होते तो जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइम पार्लियामेंट में NRC का बिल पास होने जा रहा था उसमें 27 MP मुस्लिम थे, उसमें से 25 लोग वो थे जो आम आदमी पार्टी से थे, कांग्रेस से थे, समाजवादी से, जितनी भी पार्टी है सब से थे। लेकिन पार्टियों का ये कहना था कि अगर आपने साइन नहीं करा तो आप पार्टी से बाहर जाएंगे। और जिस टाइम ओवैसी साहब के हाथ में वो बिल आया और उन्होंने ये बिल पढ़ा कि मुसलमानों के खिलाफ है, ओवैसी साहब ने जो है वो बिल फाड़कर कचरे के डब्बे में डाल दिया। वो इसलिए डाला क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट नहीं थे। अगर बीजेपी के एजेंट वो होते तो वो भी चुपचाप साइन करके दे देते और NRC का बिल जो है पास हो जाता। ओखला अगर बात करें ओखला विधानसभा की, तो यहाँ पे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी दो ही पार्टियों का वर्चस्व रहा है और इस बार MIM यहाँ से ताल ठोक रही है, तो क्या समीकरण बदलेगा कुछ या फिर झोली में उन्हीं के डालेंगे आप? इंशाल्लाह किसी की वो नहीं होगी, कोई यहाँ मुस्लिम है और ये ताहिर खान का जो है, ताहिर जो हुसैन जो जेल में है, मुस्लिम जो केजरीवाल ने जो उसको जेल के अंदर भिजवाया था, जो उसकी पार्टी का काउंसलर था, बगैर उसके किसी उसने जो उसे जेल भिजवाया, सस्पेंड कर दिया। मुसलमान ये बता देंगे केजरीवाल को कि कैसे तुमने जो ना मुसलमान की तरफ से नहीं बोले। इंशाल्लाह और जीत इंशाल्लाह मुसलमानों की होगी। केजरीवाल अभी भी मुसलमानों की वोट का उम्मीद रखते हैं, लेकिन आप लोगों के कंधे पे ये MIM का गमछा आ गया, जबकि कभी आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का हुआ करता था। तो अरविंद केजरीवाल या ओवैसी साहब? पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं कभी आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं रहा, ना ही मैं आम आदमी पार्टी मैंने कभी ज्वाइन की। सबसे पहली बात जो आपने अभी रफत भाई से मालूम किया था कि ओवैसी साहब पे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो बी टीम है, तो मैं आम आदमी के केजरीवाल साहब से ये मालूम करना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे तो क्यों केजरीवाल नहीं बोले, क्यों उनकी मुखालफत नहीं की? तो मेरी समझ में ये आता कि बिल्कुल इसमें अफबानों के ऊपर केजरीवाल खामोश रहे, उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा की बात करूंगा। तो अब ये बताइए कि बी टीम केजरीवाल है या ओवैसी साहब हैं? मैं आप ही से सवाल करता हूं और आम जनता से सवाल करता हूं, जितने भी आवाम हैं यहाँ की ओखला की, मैं सबसे सवाल करता हूं कि ये बता दें कि बी टीम ये अरविंद केजरीवाल हैं या ओवैसी साहब हैं? आपका पोस्टर में पढ़ रहा था, फेसबुक पे लिखा हुआ था वजूद की लड़ाई है, ये वजूद शब्द से कहा जाता है कि लोगों को उलझाया जाता है, जबकि आपका वजूद है, तो फिर ये कौन सा वजूद है, कैसा वजूद? वजूद की लड़ाई नहीं है, ना ये कौम की लड़ाई है, ये तो एक लालच है वोट पाने की। ये जो जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे नेताओं, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। ओखला एक जगह है, एक जामिया नगर से ओखला फेमस है, ये एक हमारा एक कॉलोनी है, हमारे अपने भाइयों की कॉलोनी है, हमारी एक मजबूत देश जानती है। इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने ये लेटिन करवाया बटला हाउस, इस पर फिल्में भी बन गई। केजरीवाल मुख्यमंत्री बन के दुनिया को बताया, अब केजरीवाल मुख्यमंत्री पंजाब से लेकर और गुजरात जा रहा तो वो अपनी औकात दिखला रहा। उसकी सोच देखिए, उसकी सोच कैसी है आप देखिए कि हमारे कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी मुसलमान भाई बहनों किसी भी वारदात में उसने कोई खुल के ट्वीट किया, उसने खुल के कुछ बोला? मनीष सिसोदिया को ED ले जाती है, कोई ले जाती है तो दिन भर TV पे लाइव आता है, सत्येंद्र जैन के लिए आज भी लाइव आता है, और यही जनाब अमानत साहब हैं ओखला के, इनके ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, कभी उसने आवाज़ लगाई? वैसे ही अकेले अपने दम पे आवाज़ उठा रहा, अगर कोई दूसरा मुस्लिम लीडर आवाज़ उठा रहा तो पीछे से उसको दबाया जा रहा। हमारी वजूद की लड़ाई सिर्फ ये है कि हम कब तक किसी की मोहताज रहेंगे, हम क्यों सोचेंगे कि इस पार्टी के लिए, हम इस पार्टी से MLA और काउंसलर हैं, हम बोलेंगे तो पार्टी हमें दबा देगी, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे, हम फैसला खुद करेंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में हमने बेहतर काम किया है, हॉस्पिटल से लेके सफाई से लेके तमाम तरह की चीज़ें। आइए, आप वोटर हैं और आप क्यों नहीं बोलेंगे अरविंद केजरीवाल पसंद हैं या ओवैसी साहब? ओवैसी साहब क्यों? दादा मुसलमान लीडर हैं, मुसलमान लीडर हैं, और केजरीवाल भी कभी टोपी लगा के इफ्तारी में भी जाते रहते हैं, वो फोटो मैंने देखा है, वो भी तो नहीं, वो तो भाई RSS के आदमी, वो दिखावा है उसका, उसका दिखावा है, दिखावा है। आप बताइए ओवैसी या केजरीवाल या कांग्रेस? जी सबसे पहली बात है कि ओवैसी को हम क्यों ओवैसी साहब को हम क्यों चुने? देखिए
सबसे बड़ी बात है कि मैं बिहार का, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उत्तर प्रदेश के एग्जांपल बताऊंगा, दिल्ली के एग्जांपल बताऊंगा। समाजवादी पार्टी से हमारे बहुत बड़े आजम खान लीडर थे, आज वो जेल में चले गए, उनके तरफ से बोलने वाले उनके पार्टी के नहीं हैं। आज बिहार में बहुत सारे ऐसे शहाबुद्दीन साहब को लेकर, शहाबुद्दीन साहब जेल में गए, उनको मार दिया गया, उनके तरफ से उनके पार्टी के बोलने वाले कोई नहीं है। इस तरह दिल्ली में हमारे मीरान हैदर, इस तरह के हज़ारों कहानियाँ पड़ी हुई हैं, हज़ारों नेताओं के बारे में, मुस्लिम लीडरों के बारे में है, लेकिन उनके लीडर कुछ बोलते नहीं हैं वो। और ओवैसी साहब का है, कोई भी हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे कोई भी वारदात होता है तो मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ते हैं, और वो जिस तरह से ट्वीट करना हो, ट्वीट पे, टीवी पे आना हो, टीवी पे डिबेट में बोलना हो, डिबेट पे, और फिर भी लोग उनको बी टीम बोलते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये लोग सारे लोग हैं जो मुसलमानों के वोट को अपना जागीर समझते हैं कि भाई मुसलमान है तो इनको वोट क्यों दे, मुसलमान है मुसलमान, अब जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी उसकी भागीदारी होगी। आप आइए हमारे साथ मिलिए, हमारे कदम से कदम मिला के चलिए। तो फिर आप लोग MIM की तरफ क्यों भाग रहे हैं? MIM की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि आज ओखला विधानसभा में जो 189 की जो जनता है इतनी बदहाल, इतनी परेशान है, जो पहले से 15 साल से रह चुके MLA उनसे लोग नाराज, आज 189 के 90% जनता लड्डन भाई के साथ है। इंशाल्लाह लड्डन भाई जीतेंगे, पूर्ण बहुत से जीतेंगे। लड्डन भाई 189 क्या होगा, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यह है नाला, रोड, सड़क, इसमें लड्डन भाई लोकप्रिय है, नेता है, लोकप्रिय नेता है, जनता की नज़र में 90% जनता इनको चाहते हैं कि हम लड्डन भाई एक बार विधान निगम पार्षद बने। और केजरीवाल की नीयत में मैं बताता हूं कि अगर केजरीवाल की कौम का कोई एक्सीडेंट करता है तो ये 1 करोड़ रुपया देते हैं, अगर वो हमारे कौम से कोई एक्सीडेंट करता है या रोड एक्सीडेंटल होता है, कुछ होता है, तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख में ये पोला लेते हैं। अगर पार्शियलिटी होती है, हाँ, ये नीयत में केजरीवाल के, ये नीयत में देखा हूँ। कौन कौन से मुद्दे लेके आप चुनावी मैदान में उतरे? ओखले के मुद्दे बहुत हैं, वो कम नहीं है। आप 15 साल का काउंसलर का काम बताओ, 15 साल से कंटिन्यू काउंसलर हैं, उनका आप काम बताओ, उन्हें लोग सही से जानते नहीं हैं। आबादी ये जो है वो दिन पर दिन बढ़ती है, यहाँ पे लोग हैं, उन्हें लोगों को क्या चाहिए? रोड पे चल रहे हैं, रोड चाहिए, नाले चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए, काम चाहिए भाई, बिजली की फैसिलिटी चाहिए, कोई डाउट नहीं है। MLA 7-7.5 साल से हैं, MLA साहब ने जो काम करवा रहे हैं वो इलाका देख रहा, एक गली खुदी, दूसरी गली खुदी, एक गली कंप्लीट नहीं, दूसरी तीसरी खुदी, लोग बेहाल हैं। 6 से 8 महीना में मैं परेशान था, मैं लोगों से कहता था, जो काम करते थे चीफ से कहता था, इंजीनियर से कहता था कि भाई अगर एक गली खोद रहे हो तो दूसरा कंप्लीट करो, फिर तीसरा खोदो। हर गलियों को खोद के छोड़ा गया है सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल कि जो सरकार है वो ये साबित करे कि इलाके में मेरा काम चल रहा है, वो चाहे काम 2 साल बाद हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे भाई और हमारे बहनें एक बार पहचान दें हमारी, अपनी वोट की वैल्यू समझे, अपनी कीमत समझे, और मुझे पहचाने और एक मौका दे। 5 साल ओखला का भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हमेशा यादगार बना दूंगा, ये मेरा वादा है। खैर, हमारे साथ कौशल इमाम सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, जो MIM के 189 के वार्ड पार्षद के उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि जो 189 के जो जनता है वो किसको चुनती है, क्योंकि 4 तारीख को मतदान होने हैं। और इन्होंने कहा कि हमारा जो मुद्दा होगा सड़क, नाली और सफाई को लेकर, जबकि दिल्ली MCD में ये तमाम मुद्दे हैं जो अभी रूज पे हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो खैर, जनता को फैसला करना है कि वो किसके पाले में अपना प्रतिनिधित्व को चुन डालती है या चुनती है। तो खैर, बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे।